असलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो जी ये है जी होंडा सी डी 70 2021-22 मॉडल, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा सेल होने वाली मोटरसाइकिल होंडा सी डी 70। इसका मैं आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ। होंडा के मुताबिक इस गाड़ी में जो है वो पता नहीं 100 से ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं, जो कि आप देख भी रहे हैं, मुझे तो कोई नहीं नज़र आ रहे। उनके मुताबिक इसके इंजन, क्लच, गेयर हेड और चैन जो है सब में तब्दीलियां की गई हैं। और अब जो इसकी प्राइस है वो 86,900 रुपये हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। होंडा ने तो कसम खाई है कि साल में 3 से 4 दफ़ा प्राइस बढ़ानी ही बढ़ानी है, और बाकी भी कंपनियों वाले इनके पीछे ही भेड़ चाल में चल पड़ते हैं। अच्छा जी, इसमें उन्होंने कहा है कि जी जो चेंजेस किए गए हैं उसमें जी आपको जी इसका जो इंजन है वो जो है उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की हैं। वैसे मतलब अगर देखने में आए तो वो कहते जी नज़र नहीं आता, जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट भी चल रहा है, ये सारा उन्होंने अपने वो शोरूम में लगाया हुआ था कि ये चीज़ें जो हैं इसके इंजन में चेंज की गई हैं, जिससे इसकी जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा बेहतर हो गई है, इंजन जो है उसकी स्मूथनेस बढ़ गई है। इंजन में क्या चेंज किया है इन्होंने कहा कि जी इंजन के अंदर इन्होंने सबसे पहले जो इसका हेड है उसका डिज़ाइन चेंज किया है। इसके अलावा इन्होंने इसके अंदर जो फ्रंट वाला हेड है उसके जो स्टड हैं वो चेंज किए हैं। इसके अलावा इसमें एल्युमिनियम के ब्लॉक यूज़ किए गए हैं, कार्बोरेटर जो है उसको चेंज किया गया है। इसके अलावा इसकी क्लच प्लेट्स जो हैं वो चेंज की गई हैं, जिसके फ्रिक्शन कम होती है। इसके अलावा जो एग्जॉस्ट है इसका, उसमें भी इसमें चेंजेस किए गए हैं, ताकि गाड़ी जो है वो कम जो है वो जोर लगाए और हीट अप भी जल्दी ना हो, जितना हो सके जल्दी इंजन जो है इसका ठंडा हो जाए और स्मूथ जो है वो इसकी और जो है वो बेहतर हो जाए। फ्यूल एवरेज जो बेहतर है, फ्यूल एवरेज तो वैसे भी होंडा 70 की बहुत अच्छी है, मैं खुद भी बड़ी देर से होंडा 70 चला रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने कहा जी नया मॉडर्न स्टिकर जो है वो लगा दिया है, जिसको जी ये ग्राफिक डिज़ाइन भी कहते हैं, पता नहीं स्टिकर ही मुझे तो लगता है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने कहा जी हेड जो है उसके अंदर ब्लॉक्स जो हैं उनको भी चेंज किया गया है, कार्बोरेटर जो है उसमें भी तब्दीलियाँ की गई हैं। बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं जो इन्होंने वहाँ पर लिख के बचाई, आम ले मैन को वो चीज़ समझ नहीं आती। बाहर देखा जाए तो गाड़ी में एक भी मुझे तब्दीली नहीं नज़र आई थी। इन्होंने कहा जी पीछे ये जो है ये लाइट जो है इसको चेंज किया गया, 2013 से ही चेंज आ रही है, जो इंडिकेटर हैं ये लाइट के साथ कर दिए, पहले ही आगे सीट के नीचे आते थे। इसके अलावा इन्होंने कहा जी जो सीट की पोजिशनिंग है उसके नीचे जो मटेरियल है उसको भी पहले से ज़्यादा मजबूत कर दिया गया है। चाबी में तो कोई तब्दीली नहीं आई, ये होंडा 70 की चाबी है, और ये जो है ये टूटी भज्जी सी ये मेरी होंडा 70 की चाबी है, और ये चाबी मेरे ख्याल में शायद कोई 30 साल से यही आ रही है। बाहर गाड़ी में कोई तब्दीली नहीं है, कोई किस्म का भी मुझे चेंज नहीं नज़र आया। इंजन की उन्होंने तब्दीली की सिर्फ दावा किया है, ये मीटर भी तकरीबन 2-3 साल से आ रहा है, कख नहीं चेंज किया। अगर चेंज करना था तो कम से कम इस गाड़ी की सीट जो है उसको तो बदल देते, उसकी राइड क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर हो जाती। अब बंदा जो है वो कमर का मरीज़ बन जाता है, इस पर ज़्यादा सफ़र कर ले तो इस तरह की हालत बंदगी हो जाती है। इंजन का उन्होंने कहा जी चैन करारी सेट जो है उनमें भी उन्होंने कहा जी इनमें चेंजेस किए गए हैं। ये जो कैश डिपॉजिट लिखा है ये बात ठीक है, इसकी 70 की रीसेल जो है वो बहुत अच्छी है पाकिस्तान में, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और ऑब्वियसली इसकी तकरीबन ऑलमोस्ट मोनोपली बहुत ज़्यादा सेल होती, क्योंकि सस्ती थी, अब तो खैर सस्ती नहीं रही, जब मैंने ली थी तब तो 20-25 हज़ार सस्ती थी। और ये इन्होंने इसका ग्राफिक डिज़ाइन जो है वो चेंज कर दिया, स्टिकर जो है टेंकी का ऊपर से चेंज कर दिया, और इंटरनली जो इंजन के चेंजेस हैं वही सिर्फ बताए गए हैं। इसके अलावा कोई इसमें मतलब जो है एक्सटीरियर वाइज कोई चेंजेस नहीं है, कोई एक चीज़ भी चेंज हुई हो तो नज़र आ रहा। इंजन की जो चीज़ें हैं वो उन्होंने दावा किया कि बहुत ज़्यादा चेंज है, वो भी खैर पता लग ही जाना है थोड़े दिनों में, जब किसी ने ख़रीद लेनी किसी यार दोस्त ने तो पता लग जाएगा कि जिसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो बाहर अगर इसकी सीट जो है इसको थोड़ा सा बेहतर कर देते, इसकी राइड क्वालिटी जो थी वो बेहतर हो जाती। कुछ भी जो है वो इन्होंने बेहतर नहीं किया एक्सटीरियर वाइज, मतलब एवं मैं आपको कहूँ कि जी बड़ा की किया, बस वो एक वही है कि पंजाबी का मुहावरा है ना, गोंगड़ों तो मिट्टी झाड़नी, तो वो वाला काम हुआ है। तो और इसमें कोई मतलब इसमें कोई चेंज नहीं किया एवरेज। इसकी अच्छी चीज़ें जो हैं इसका पार्ट बहुत आसानी से मिल जाते हैं, इसका मैकेनिक आपको हर गांव शहर में हर जगह मिल जाए, ये होंडा 70 की बहुत अच्छी चीज़ है। फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है, 50-60 का एवरेज आंखें बंद करके ये शहर में देती है। और लॉन्ग पे मतलब इसको क्या बेचारी को लेके जाना, अगर लेके भी जाएँ तो ये आपको बड़े आराम से 65 तक का एवरेज देती है, बहुत ज़्यादा फ्यूल एवरेज अच्छी है। तो ये था एक ओवरव्यू जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ होंडा सी डी 70 का, और 2021-22 ये मॉडल है, क्योंकि अगस्त में इसका जो है वो स्टिकर जिनको चेंज कर देते हैं और कह देते हैं जी नया मॉडल आ जाता है, बस वो तब्दीलियाँ जो है ये पता नहीं हमारी वो गवर्नमेंट वाली तब्दीलियाँ थी। ये थी आज की वीडियो, अल्लाह हाफिज़।